फ्रेंड्स नमस्ते, आप सभी को पुनः आईटीआई टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे, इसमें माइक्रोमीटर की बात की गई है। माइक्रोमीटर तो देखिए, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम इस माइक्रोमीटर से प्लेट का थिकनेस और वायर का डिमीटर भी मेजर करते हैं। अलग अलग माइक्रोमीटर होता है, तो उसकी भी हम चर्चा इस वीडियो में कर देंगे। इसलिए आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इसके पार्ट्स नेम बता देंगे, क्योंकि इसमें केवल माइक्रोमीटर बना देना है, पार्ट्स नेम नहीं नोट करना था। बट मैं इसमें पार्ट्स नेम भी नोट करेंगे और इसके पूरे डिटेल बनाएंगे। तो फ्री हम आपको फ्री हैंड स्केच इसमें आपको ड्रॉ करते हैं डैश लाइनों के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको डैश डैश करके सभी चीज़ों को लगभग बना दिया है। अब इसके आप देख पा रहे हैं कहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए, ये पूरे पार्ट्स आपको यू शेप में जो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं इसे बोलते हैं एनविल, इसे बोलते हैं स्पेंडल, यहाँ बोलते हैं लॉक स्क्रू। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर मेन स्केल, ये आता है थिम्बल, है ना, थिम्बल स्केल, ये थिम्बल, ये आपको होता है रिचेट। ठीक है, इतने सारे आपके पार्ट्स होते हैं, तो ये आपको देख लिया। और इस पर आपको जो साइज़ लिखा होता है 0 से 25 mm, इसमें आप सभी चीज़ देख लेंगे। और इसको हम आपको एक रियल में भी माइक्रोमीटर दिखाएंगे और एक माइक्रोमीटर का लिस्ट भी देंगे कि कितना माइक्रोमीटर टाइप के होते हैं, तो वो देख लेंगे। तो ये तो हम लोग डैश करके बना दिया आपके सामने, मैंने सब बना दिया, कोई इसमें बनावटी नहीं है, मतलब रियल में बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको फिनिशिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिनिशिंग करने में क्या करेंगे हम, इसको अपना मार्कर को पकड़ के क्या करेंगे, एक चला देंगे, अब फिनिशिंग करेंगे ना, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ तक हमने कर दिया इसको। ठीक है, तो इस पे रिचेट पे आपको नर्लिंग की होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नर्लिंग क्या होता है इसको हम बता देते हैं आपको, कट बनाया गया होता है इसको। जब हम रोटेट करते हैं तो फिसले नहीं, हाथ हमारा उस पर ग्रिप बना रहा है, होता है पकड़ बना रहा है, इसलिए होती है। और यहाँ भी होता है, जो कि ये थिम्बल होता है, सिंबल के ऊपर भी किया गया होता है। और ये इसके बाद आपको थिम्बल स्केल आता है, है ना, तो यहाँ पे थिम्बल स्केल होगा, मार्किंग किया गया होता है इस पर थिम्बल स्केल पर। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो होता है 0 होता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे तो ये हो जाएगा 45, इसके बाद आएंगे तो ये हो जाता है आपको 40, इसके नीचे आएंगे तो हो जाता है 35, इसके ऊपर चलते हैं तो ये हो जाता है 5, इसके ऊपर चलते हैं जो होता है 10 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे ऊपर दिया, यानी कि आपको 1 mm का 50 भाग बांटा गया होता है। और ये होता है मेन स्केल। ठीक है बाबू, तो यहाँ से इस पर मेन स्केल होता है, थोड़ा सा इसका हल्की लाइन से एक मार्किंग कर देते हैं, ये मेन स्केल होता है। ठीक है, यहाँ से होता है 0, ये होता है 1, इसके नीचे होता है 1/2 यानी 0.5, इसके बाद यहाँ पर 2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1.5 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 3 होगा तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से कितना होता है बाबू, तो ये होता है आपको 25 तक होता है। कितना होता है? 25 तक होता है। ठीक ना, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाता है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, डैडस 25 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू होता है ये 0.5 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू होता है ये 1.5 हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2.5। इस तरह से आपको मतलब वैल्यू लेना होता है, वैसे नोट नहीं होता, बस 1 से लेकर 25 तक इस पर नोट किया गया होता है।
और ये वाला पार्ट होता है आपको लॉक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये आपको स्पिंडल होता है, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकलता है, फ्रेम होता है। और वैल्यू जो फ्रेम पे लिखा होता है क्या था, 0 से 25 लिखा, यानी कि यहाँ से लेकर यानी कि ये 25 होता है। इसके बाद इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 होता है। तो इस पर कभी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं, कैसे हमको इसे मेजर करना है। मान लेते हैं कि इस पर हमारे स्केल पर जो है कि मेन स्केल है, मेन स्केल पर कितना है, इसको हम 5 ही मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि 5 पर मेरा आ रहा है, और 5 के बाद देखते हैं कि ये वाला जो हमारा थिम्बल स्केल है इसको जब रोटेट करते हैं तो इसके सामने जो मिले यानी 45 मिल रहा है, मान लेते हैं ये 45 होगा। तो इसके साथ लीस्ट काउंट के वैल्यू को मेजर कर इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो 0.45 होगा। इस प्रकार से वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.45 क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, बट इसको लिख देते हैं पूरे पार्ट्स नेम को, उसके बाद आगे बताते हैं। ये इस पार्ट को हम लोग एनविल बोलते हैं, जो कि ये फिक्स होता है, ठीक है, ये मूव नहीं करता है। स्पिंडल जो होता है कि मूव करता है, और क्यों, क्योंकि स्क्रू के सिद्धांत पे ये माइक्रोमीटर काम करता है। जब ये रिचेट को हम रोटेट करते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, क्लोज होता है, और जब इसको बैक साइड में करते हैं एंटी क्लॉक में तो ये ओपन होता है, खुलता है। इन दोनों के बीच में यानी स्पिंडल और एनविल के बीच में क्या होता है, मेजरिंग सरफेस होता है, यानी कि किसी भी जॉब को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में मार्कर को रखते हैं और रिचेट को रोटेट करते हैं, उस कंडीशन ये फिक्स हो जाता है। जब फिक्स हो जाता है तो फिक्स नॉट को हम क्या करते हैं, इसको लॉक नॉट को टाइट कर देते हैं, तो ये रुक जाता है। उसके बाद इसको है ना स्लीव बोलते हैं, स्लीव स्केल, या फिर इसको मेन स्केल के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे वैल्यू दिया होता है 1 से 25 तक दिया होता है। इसके बाद होता है थिम्बल, थिम्बल पे आपको क्या होता है, 1 mm के 50 भाग डिवाइड किया गया होता है, तो ये होता है। इसके बाद होता है इसके पूरे थिम्बल में ये पूरा पार्ट्स होता है, तो ये थिम्बल होता है, इसलिए थिम्बल स्केल इसको बोलते हैं, थिम्बल होता है। इसके बाद ये रिचेट होता है। यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो पहला आपको इनसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा आता है वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा आता है आपको हब HUB हब माइक्रोमीटर, और चौथा आता है बाबू डिजिटल माइक्रोमीटर। सब में आप क्या कर देंगे, माइक्रोमीटर ऐड कर लेंगे। ये आपको 4 प्रकार के माइक्रोमीटर होता है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी आपको आता है ना, तो देख लेंगे जो भी आपने। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे कि थोड़ा सा इसको इस मतलब आपको इसमें लाइनिंग कर देना होता है, ठीक है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये इस तरह से अट्रैक्टिव लगता है। तो आप देख लिए पूरा बन चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर रियल में आपके माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको रखेंगे तो ये आपका ये रिचेट है जिसे हम पकड़ कर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको थिम्बल है, यहाँ पे थिम्बल स्केल है और यहाँ पे स्लीव स्केल है। इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, 0 से 25 तक ओपन होगा। और यहाँ पे ये स्पेंडल है, ये एनबिल है, ये लॉक नट है, और यहाँ पे फ्रेम है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे मेजरिंग सरफेस है, ये पूरा आपने देख लिया। और यहाँ पे देखेंगे तो इस पर लिखा 0.01 mm, ठीक है, जैसे इसका लीस्ट काउंट होता है। और यहाँ पे 0 से 25 mm इसका साइज होता है, माइक्रोमीटर साइज। तो अलग अलग साइज़ में आते हैं, अलग अलग टाइप में आते हैं। तो टाइप बता दिया आपको, साइज़ भी आपके अलग अलग आते हैं, एक न्यूमेरिकल भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आपको वीडियो, इससे पहले मैंने बहुत मतलब इससे बेहतर भी और भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से फ्री एंड स्केल्स का आप देखें और प्रीवियस ईयर पेपर के आंसर को भी देखें। तो इस प्रकार से मैंने बना दिया आपका, यहाँ पर नाम भी लिख दिया आउटसाइड माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर। तो फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट आंसर के साथ, यानी कि प्रश्न संख्या 4 के ई के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।